गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। आपका क्यूट सा चैनल अभियंता मैथ्स पे आपका स्वागत है। ठीक है ना, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। हम लोग दो देख चुके थे ऑलरेडी, एक्सियल और इक्वाटोरियल। ठीक है ना, आज हम लोग तीसरा देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे वो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। सुनिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोग को। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे डायपोल के कारण। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक ना, पोलर फॉर्म में लिखा जाता है कि सेंटर से, देखो ये डायपोल बना लिए, सुनो डायग्राम को, पहला नंबर पे डायग्राम को बनाओगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे अच्छे से, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल बन गया है। ठीक है ना, डॉट डॉट है, इसको पूरा मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। करा डिस्टेंस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पॉइंट एम है, दिख रहा है पॉइंट एम, इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। अब देखो आओ, थीटा कहाँ से कहाँ, समझिए थीटा जो है एंगल है। ठीक है, किसके किसके बीच में, देखो अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस इधर हो जाएगी, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया इधर। ठीक है, यही लिखा गया यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, फिगर गंदा लगेगा। डायपोल मोमेंट हो गया, समझो ये डायपोल मोमेंट। ठीक है, पी, अब यहाँ से एंगल देखो, अब कहीं भी पॉइंट लेंगे ना तो सारा कवर थीटा बढ़ाते जाएंगे, सारा कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, थीटा को घटाते जाएंगे, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, टी कॉस थीटा, पांच मार्क्स में आएगा बोर्ड में, आईआईटी के लिए भी आएगी। देखो एंगल इधर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस इधर है, देखो एरो दिया गया है, ये एरो दिख रहा है ऐसे है, देखिए अब इसके और इसके बीच में रहता है। ठीक ना, अब देखो हम ऐसे बता दिए, इसका फॉर्मूला ऐसा डेराइव कर दिए, सवाल यहाँ पे इस टाइप से आ गया, देखो माइनस से प्लस तो इधर डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल उन्होंने बताए माइनस से प्लस है, इसी को उठा के हम लोग पी को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, देखिए इधर, तो ए वाला एंगल की बात नहीं की जाएगी, तो यहाँ हम लोग एंगल ए वाला लेंगे, यानी थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, 120 डिग्री, 180 में 60 घटा दो, ये वाला एंगल लेना, ये नहीं ले लेना। ठीक, यहाँ देखिए अब माइनस से प्लस था, डायपोल का डायरेक्शन इधर हो गया पी का, अब कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, दिख रहा इधर आ गया, इसके इसके बीच का लिया जाता है ना 120 डिग्री, थीटा लेना, इस तरह से ध्यान दिया जाता है। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, तुमको निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण। तो होश में, बेहोश में नहीं, आपा ने खोला है, भी साइड में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये डायपोल जो पी है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा पी कॉस थीटा, ठीक है, थीटा के साथ कॉस लेते हैं, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। अब ये डायपोल खत्म हो गया, अब दो को अलग अलग डायपोल हम लोग बना लिए, एगो कौन सा पी साइन थीटा हो गया, अब पी कॉस थीटा हो गया, दो को डायपोल हम लोग बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्सियल है, ठीक, पिछला क्लास में बताया था एक्सियल हो गया इसके लिए। अब देखो इसके लिए यहाँ से देखिए, पैरेलल परपेंडिकुलर है इसका, देखिए ये वाला परपेंडिकुलर, नेट यूनिट यहीं से जाएगा, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, बाद में जरूरत आएगी डायरेक्शन निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक, तो यूनिट इधर जाएगा, अब हम लोग यूनिट कैलकुलेट करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें, समझो x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है x, थीटा इज द एंगल एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, जो समझा दिए अभी, राइट डाउन करिए, आगे हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, समझिए क्या कर रहा है, कि वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम बना लिए क्लियरली,
चलिए we will find electric field due to two new dipole, दो वो new dipole हम लोग बना लिए, ठीक है ना। ये जो dipole ऐसे था, एक ऐसे बना लिए हम लोग, ठीक है, और एक ऐसे बना लिए, ठीक है, दो को dipole, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है ना। एक ऐसे देखो इधर, एक ऐसे था, दो dipole p cos theta p sin theta हम लोग निकाल लिए। अब for p cos theta के लिए समझो क्या होता था, एक्सएल के लिए ये 2kp by x cube, लेकिन यहाँ p मैंने है, p cos theta है, तो यहाँ cos theta होगा। सुनो फार्मूला क्या होता था, बताया थे एक्सएल के लिए 2kp by x cube, लेकिन यहाँ p थोड़े है डायपोल, p cos theta है, तो p cos theta लिखें, क्लियर। यहाँ देखो for p sin theta के लिए यहाँ kp by x cube होता था परपेंडिकुलर के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। तब हम लोग यहाँ kp by x cube नहीं, kp sin theta by x cube लिखेंगे, क्लियर। अब ये निकाल ले, परपेंडिकुलर निकल गया, यूनिट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर एक्सियल और इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये का वैल्यू 2kp cos theta by x cube होल स्क्वायर प्लस kp sin theta by x cube का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर, सब का स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक, 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x पे पावर 3 है और 3 का स्क्वायर 6, यहां क्या होगा k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by x। अब देखो कॉमन ले रहा है दोनों में से, समझो रूट ऐसी है k स्क्वायर p स्क्वायर, यहां भी मिल रहा है x पे पावर 6 निकाल लिए, यहां बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ k दो हुआ है, रूट से बाहर आएगा k, p स्क्वायर है p हो जाएगा, यहाँ 6 हुआ है x की आ जाएगा 3, ठीक, यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, sin स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए kp by x की यूनिट जो निकला, kp by x की रूट अंडर 1, और देखो चार वो cos स्क्वायर थीटा में से वो मर गया, क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, यही है। हम लोग इसी को क्या करना है, हम लोग को रिमेंबर करना है, कोई भी वैल्यू दिया होगा चेक करेंगे हम लोग, ठीक, राइट डाउन करिए एक बार। अब हम लोग डायरेक्शन देखेंगे इसका, आगे हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। यूनिट का वैल्यू निकाल लिए थे kp / x की रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आगे डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, टैन लेते हैं अल्फा, देखो अल्फा माने थे अभी वहां पे ऐसे और ऐसे बीच में अल्फा था, टैन अल्फा डायग्राम में देखते हैं, ई परपेंडिकुलर बाई ए होगा, ठीक है, एक्सियल। अब ई परपेंडिकुलर केपी साइन थीटा बाई एक्स क्यू, टू केपी कॉस थीटा बाई एक्स क्यू, वैल्यू रख दी। अब चार तल्ला दो तल्ला कैसे बनाते हैं, इसको हुआ और रख दिए केपी बाई साइन थीटा एक्स क्यू, इसको एक पट का मार दिए एक्स क्यू बाई टू केपी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यू मर गया, केपी से केपी मर गया, ठीक है, क्या बचा साइन थीटा और नीचे में टू कॉस थीटा, वन बाय टू साइन बाय कॉस टैन थीटा होता है, यही निकल गया। अब ये जो टैन थीटा है, सुनो कह रहा है फ्रॉम डायपोल मोमेंट इंक्लिनेशन क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंक्लिनेशन थीटा प्लस अल्फा होगा, नीचे वाला थीटा यहाँ जो था ये थीटा, ठीक है, और यहाँ पे जो था इस तरह से ये वाला अल्फा, ये दोनों का वैल्यू आएगा, ठीक ना, इसको ध्यान में नहीं रखना है हम लोग को, ठीक है, छोड़ देना, वहां दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि सही है, हम लोग एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो पे, दो पोजीशन पे, दो कंडीशन पे हम लोग निकाले थे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखो एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला इससे निकालेंगे, इससे हम लोग इसको निकालेंगे और इससे इसको निकालेंगे, ठीक, ये फॉर्मूला पे ही नहीं, एक्सियल पोजीशन थीटा इक्वल टू जीरो, अब ये एक्सियल क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा जीरो कॉस जीरो वन, देखो बता रहे हैं तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, वन के पी एक्स क्यू वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर जीरो वन हो गया, तीन और एक चार का स्क्वायर रूट टू, टू के पी बाई एक्स क्यू आ गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको ले लाएंगे। अब यहाँ रखते हैं परपेंडिकुलर के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है बताइए, कॉस 90 होता है जीरो, ठीक है, जीरो रूट वन आ गया, केपी बाई एक्स क्यू आ गया, इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो, ठीक है, लाइक शेयर ठोको एकदम ठोको ठोको, और वीडियो को क्या करो बार बार देखो और कॉपी कलम निकाल के
नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। थैंक्स गाइज वंस अगेन।